चाइना है, तिब्बत है, थाईलैंड है, म्यांमार है, कम्बोडिया है, तिब्बत है, सब अलग है, कोरिया है, सब है ऑलमोस्ट इंडिया में, यूपी में। पहुंच गए इंशाल्लाह। तो पीछे जो ऑटो हैं 30 रुपये लगे कैंट से, घाट से कैंट 35 रुपये और फिर 30 रुपये यहाँ के लिए। यहाँ क्या बड़ी शांति लग रही है, वहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ था लेकिन यहाँ शांति। म्यूज़ियम के लिए ये जो है सामने म्यूज़ियम है, ठीक है। यहाँ मोबाइल अलाउड नहीं है लेकिन कैमरे अलाउड है, डोंट नो व्हाई। सामने म्यूज़ियम है। ये था म्यूज़ियम पीछे, हो गया। अब पता नहीं क्यों कैमरा अलाउड किया है, फ़ोटो लो वीडियो मत बनाओ, समझ नहीं आता, थोड़ा कन्फ्यूजिंग है। लेकिन लोग फ़ोटो की आड़ में वीडियो बनाते हैं, मैंने भी बनाया। दो रास्ते हैं, ये धम्म चक्र के लिए और ये अशोक स्तंभ के लिए। पहले अशोक स्तंभ चलते हैं। अंदर है कुछ लिखा हुआ है, नहीं कौन सा अद्वितीय का चित्र है। चित्र क्या होता है? चित्र बेसिकली साउथ एशियन कंट्रीज़ जो हैं, जो बुद्ध धर्म फॉलो करती हैं, वो लोग अपने मंदिरों को या प्रार्थना स्थलों को बोलते हैं। तो ये तो बचे हुए हैं, अवशेष हैं, मेन अलग होगा। टेंपल भी कह सकते हैं, पूजा स्थल भी कह सकते हैं, मतलब शांति आराम करके। लाइटें वगैरह लग रही हैं, ये किसी काम के लिए लग रही हैं, पता नहीं कुछ शो होने वाला है या कुछ है। आगे स्क्रीन भी है। अभी ये मतलब अभी जब ये बचे हुए हैं, रिमेन्स हैं, तो ये देख के इतना अच्छा लगता है। तो उस टाइम जब पता नहीं कितना मज़ा आता होगा, बहुत अच्छा एरिया होगा और काफ़ी बड़ा है। ये अगर आप देख पा रहे हैं मतलब बहुत ही स्टूप है बड़ा, तो या तो रीबिल्ड किया गया है या बच गया होगा उस टाइम। बहुत ही अच्छा है। मतलब यहाँ आप देखने आइए, बुद्ध धर्म के लोग तो आते ही आते हैं, दूसरे धर्म के लोग भी आते हैं, लेकिन आपको अच्छा लगेगा यहाँ पे क्योंकि हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो अच्छा लगता है। आपको 5th सेंचुरी के अराउंड की चीज़ें हैं, म्यूज़ियम में भी वही रखी हुई हैं और ये भी उसकी एंकर बिल्ट है। पंचतन टेम्पल आराम से चलिए, देखिए अलग अलग चीज़ें हैं इसके राउंड अराउंड। बहुत अच्छे अच्छे मंदिर बने हुए हैं, कई कंट्रियों के मतलब आपको लुक अलाइक मिलेंगे वहाँ। म्यांमार का है, थाईलैंड का है और भी कई साउथ एशियन कंट्रीज़ का है, वो तो मैं जाके देखूँगा ही, लेकिन वो भी बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए करते हैं स्टूप पे, बहुत ही अच्छी डिज़ाइन है। ये देखिए, ये नॉर्मली नॉर्थ ईस्ट में मिलते हैं और ये है यूपी में, उसके बावजूद ये बहुत बड़ा है। देखिए ऊपर भी है, ऊपर है। इसका पुराना नाम धर्मा चक्र स्तूप था, अभी इसको धर्म स्तूप कर दिया। इसका रीज़न नहीं पता लेकिन अभी कर दिया, तो धर्मा चक्र स्तूप था ये। तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रीच जो है वो यहाँ किया है। तो वो जब आए थे तो उनको ये मिला था 6th-7th सेंचुरी की जो लैंग्वेज थी उसमें इसके पीछे नीचे कुछ लिखा हुआ था, तो वहाँ से उन्हें पता चला। तो ये तकरीबन 28 मीटर का है, 28 मीटर, उसमें से 9 मीटर जो है वो ये वाला है, इसके ऊपर जो है बचा हुआ जो वो ब्रेक का बना हुआ। यहाँ के मेडिटेशन टाइप का करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है यहाँ से शुरुआत की हो गौतम बुद्ध ने। ये भी एक स्तूप है, अभी तो खाली इसका प्लेटफॉर्म बचा है, तो इसका प्लेटफॉर्म देख के आइडिया लग रहा है कि ये भी जब ये पीछे वाला जो स्तूप है उसी की तरह कुछ रहा होगा, या ये मेरे को लगता है उससे बड़ा होगा। जो अंदर लाइट वगैरह का जो था वो बेसिकली लाइट एंड साउंड शो जो है वो शुरू हो रहा है,
शाम को एक दो घंटा और चलेगा, जैसे हिंदी इंग्लिश में होता है नॉर्मली वही होगा। 21 तारीख से जो प्रवासी दिवस है, मिस्टर मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया शायद इनॉग्रेशन करें, क्योंकि वो आ रहे हैं वाराणसी। तो 21 जनवरी से शुरू होगा, उसके बाद में हो जाएगा टाइमिंग वगैरह, तो नॉर्मली वही 7-8 बजे का रहता है जो होता है अंधेरा होने के बाद में। वो भी एक अच्छी चीज़ हो गई है, और मैंने खुद देखा है इंतजाम, मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा होने वाला है। यहाँ गौसारनाथ में आया था 5-6 साल पहले, तो तब यहाँ पे जो ये सीढ़ियाँ, यहाँ काफ़ी लोग थे जो कि दूसरी करेंसी दे रहे थे, नेपाल भूटान म्यांमार इन सब जगह की, तो वो अभी नहीं है, जस्ट पीछे है जो स्टूप था उसके जस्ट पीछे है। लेकिन बुद्धिस्ट टेंपल है, ये बेसिकली सामने जो है बुद्ध ब्रिज, बुद्ध ब्रिज जो बोलते हैं, इसके नीचे बैठ के गौतम बुद्ध ध्यान लगाया करते थे। बहुत ही पवित्र और बहुत पुराना है ये, देखिए अलग अलग लैंग्वेज इसमें लिखा हुआ है, मेरे समझ से बाहर है, चाइनीज या कोरियन में से एक है। बहुत बड़ी बेल, पता नहीं कौन बजाता होगा, इसमें अचानक मेरे को मेरे नॉर्थ ईस्ट ट्रिप की याद दिला दी, और है वो भी हैं उनके लिंक वगैरह डाल दूँगा, देख सकते हो आप इसकी स्किन सिक्किम को, सेम टू सेम वही फील आ रही है। अब अपना फेवरेट जो काम आपको करते हैं उनमें कुछ बेयरिंग टाइप का है, बड़ा चक रहे हैं चलते रहना है। तो ये था पीछे बुद्ध टेंपल, अगर आप वाराणसी हैं तो सारनाथ आइए, सारनाथ में है तो बुद्ध टेंपल आइए, बहुत अच्छी जगह, बहुत पीसफुल है, अच्छा लगेगा आपको। यहाँ पे बुद्ध ट्री भी देखने को मिलेगा, और बहुत अच्छा है, मतलब पुरानी चीज़ें हैं और बहुत शांति मिलेगी, हम ही लोग आके थोड़ी शांति फैलाते हैं बेसिकली। ठीक है, पीछे देख रहे हैं एक चाइनीज बुद्धिस्ट टेंपल है, किसी के लिए चाइना में जैसी बिल्डिंगें होती हैं उस तरह की प्लेटफॉर्म है, पता नहीं क्या है, टेंपल जंपल है। टेंपल है मॉनेस्ट्री है, और पीछे बहुत बड़ी बुद्ध जी की मूर्ति है, बहुत अच्छी थी, देखिए गोल्डन कलर की है। तिब्बत एक बड़ा ही मज़ेदार चीज़ ये है यहाँ पर कि जितनी भी मोनेस्ट्री हैं या टेंपल हैं वो सब अलग अलग डायरेक्शन में है, चाइनीज इधर है, तिब्बतियन इधर है, और अभी देख रहा था मैं मैप में तो कंबोडिया आगे है, तो हालांकि ये सारी साउथ ईस्ट कंट्रियाँ कवर तो हो रही हैं, ये बड़ा अलग अलग है, सिंगापुर नहीं है क्योंकि वो तो नई अभी बसी हुई है, तो चाइना है, तिब्बत है, थाईलैंड है, म्यांमार है, कंबोडिया है, तिब्बत है, सब अलग है, कोरिया है, सब है ऑलमोस्ट इंडिया में, यूपी में कंबोडियन मोनेस्ट्री क्यों बंद है पता नहीं। सो कंबोडिया से याद आया कि मैं कुछ दिन पहले जा रहा था कंबोडिया, लेकिन वो ट्रिप कैंसिल हो गया इंसिडेंसेस की वजह से, बहुत जल्द दोबारा जाऊंगा, लेकिन यहाँ पर भी नहीं वहाँ पर नहीं कंबोडिया अभी मोबाइल पर ढूंढ रहा हूँ, तो अभी श्रीलंका टेंपल मिल गया, श्रीलंका भी है यहाँ, तो चलिए चलते हैं, और क्या करना, जब चल ही दिए हैं तो चलते रहिए चलते रहिए चलते रहिए। तो अभी जब हम जा रहे हैं श्रीलंका बुद्धिस्ट टेंपल, यह श्रीलंका मॉनेस्ट्री सारनाथ में है, तो इस टेंपल को जरूर याद करिएगा, ये चार जगह जा रहा है, 2-3-4 जगह जा रहा है, ठीक है, सर्कल देखता हूँ, ये मेन सर्कल है, यहीं मार्केट वगैरह भी है, ये सर्कल है, ठीक है, आप जाओगे इस वाले डायरेक्ट
तिब्बत, कंबोडिया और श्रीलंका के महाराष्ट्र। ये जो है ये चाइना की है, ये जो है यहाँ पे कोरिया की है, और यहाँ जो बच गई थाईलैंड वगैरह वो यहाँ। तो ऐसे डायरेक्शन में घूमना पड़ेगा आपको इतनी आसानी। पहुँच गया हूँ कोरिया टेम्पल। ये बोर्ड है, गेट है, देखिए। हालांकि ये सत्य में जाते का वो बना हुआ है। अब मैं पहुंच गया हूँ वियतनाम वाले टेंपल में। वियतनाम भी है, जापान भी है यहाँ पर। तो ये वियतनाम वाला टेंपल है, पिंक टेंपल बोलते हैं इसको, काफ़ी फेमस है। क्यों पिंक टेंपल बोलते हैं, ये देखिए, ये मूर्ति की वजह से। बहुत ही बड़ी मूर्ति है सच में। सेवेंटी फीट ऊंची है। इस वाले के तो लुक और लैंग्वेज जो लिखी हुई है वो देख के समझ आ गया था कि ये थाईलैंड का मॉनेस्ट्री है। थाई मॉनेस्ट्री है बेसिकली, बहुत अच्छे बनाए हुए हैं। ये यहाँ की सबसे ऊंची मूर्ति है, 80 फीट की है। 70 फीट की भी थी, बैठी हुई थी बुद्धा जी की, और ये 80 फीट की है। ये 70 फीट, 80 फीट, लेकिन बुद्धा हर जगह है, छाए हुए हैं और छाना भी चाहिए। बुद्धा बहुत ही ऊंची चीज़ है, अच्छी बात है। और एक ही सत्यमेव जयते हैं। बुद्धा जी तो सारनाथ में छाए हुए हैं और छाना भी चाहिए, उन्होंने काम ही कुछ ऐसे किया। तो ये बेसिकली छोटे छोटे सरोवर टाइप के हैं, गौतम बुद्ध सरोवर हैं। तो ये मनुष्य का एरिया बना हुआ है। तो क्लोजिंग टाइम हो गया है 5 बजे, सर्दियों में जल्दी बंद हो जाता है। सबको भगा रहे हैं, मैं अपने आप आता हूँ। कोई भगाए उससे अच्छा है कि आप खुद निकल लो। या उनके लिए है जो वीडियो बिना लाइक किए जाते हैं। वीडियो किया करो भाई लाइक, वीडियो बनता बड़ी मुश्किल से। अब ये देखो आप, ये कहाँ जंगल में भटकना पड़ रहा है। मंदिर है वियतनाम वाला बुद्धा जी का, पिंक टेम्पल जो मैंने बताया था पीछे, और सामने जाके ये मतलब पास ही में सामने जाके ये जो है रेड वाला अगर दिख रहा हो आप लोगों को, ये है जापान टेम्पल। और इनके बीच में से जो ये रास्ता है, ये रास्ता इनके बीच में से गया है। अब ये पता नहीं मेन रास्ता कौन सा था, ये साइड रास्ते में से आते हुए ये जंगल फंगल पड़ रहा है, लेकिन पूछते पाछते आ गए। एक छोटा सा नहर टाइप की थी, उसको भी क्रॉस किया। लोगों ने ईंटें वगैरह डाली थी, पानी इतना नहीं था, लेकिन मज़ा आया, अच्छा था एक्सपीरियंस।